माई चैनल एम जे पैशन फॉर फूड. आई एम योर फ्रेंड जसप्रीत एंड गाइज आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस एंड हेल्दी ग्रीन चिकपीज इडली मफिन की रेसिपी लेकर आई हूँ. इसे आप ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं और चाहे तो बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ. और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन सो देट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई फ्यूचर अपलोड. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप ग्रीन चिकपीस छोलिया, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है. अब इसे एक मिक्सर जार में हम डाल देंगे. साथ में हम डाल देंगे इसमें ग्रीन चिली एंड जिंजर. और इसमें 2 चम्मच पानी डालकर हम इसे बारीक पीस लेंगे. अब एक मिक्सिंग बोल में हम ले लेंगे सेमोलिना सूजी 1 कप. और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो कि हमने पेस्ट बनाया है ग्रीन चिकपीस का छोलिए का. और साथ में हम ऐड करेंगे इसमें कोरिएंडर मिंट चटनी 2 टेबलस्पून, मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स, एस्फेटिडा, हींग अ पिंच, सॉल्ट टू टेस्ट, पम्पकिन सीड्स, रेजिन्स, चॉप्ड आमंड्स. आप चाहें तो इसमें रोस्टेड पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं. साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दही और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अगर आपको मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा लगे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. देखिए इस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है हमने. ये 10 मिनट रेस्ट करवाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. स्टीवर में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे हम. इडली मफिन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये सिलिकॉन मोल्ड लिए हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इसे आपको ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है. अब इन मोल्ड्स को हम 3/4 फिल कर देंगे बैटर से. इसे फुल इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि जब इडली स्टीम होएगी तो वो राइस भी होती है. इन मोल्ड्स को हम स्टीमर में रख देंगे और स्टीमर को कवर कर देंगे लिड के साथ और इसे 12 से 15 मिनट तक स्टीम कर लेंगे. इडली मफिन बनकर तैयार हो चुका है. इसे टेस्ट करने के लिए कि इडली बनी है या नहीं इसमें नाइफ़ डाल के देख लीजिए. अगर नाइफ़ बाहर ड्राई आता है दैट मीन्स आपकी इडली बन चुकी है. अदरवाइज आप उसे 2 से 3 मिनट और स्टीम कर लीजिएगा. अब 5 मिनट रेस्ट करवाने के बाद इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे. देखिए कितना ईजिली ये डीमोल्ड होते हैं. इसे आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. मैं यहाँ पे इसे मेयोनीज एंड ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूँगी. आई होप आपको ये हेल्दी और टेस्टी छोलिया इडली मफिन की रेसिपी अच्छी लगी होगी. आप इसे ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना. मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ. टिल देन बाय बाय.